पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। पुष्पा 2 की पोस्टर और इंट्रोडक्टरी वीडियो आने के बाद पुष्पा का किरदार तो मिस्टीरियस लगा ही, लेकिन जिस किरदार को सबने ढूंढा वो श्रीवल्ली नहीं बल्कि केशवा का था, जो पुष्पा के साथ उसकी जर्नी में पहले से ही रहा। और अब इस किरदार के बारे में मार्केट में कई सारी बातें फैल चुकी हैं, तो चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है केशवा के बारे में। तो सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि केशवा पुलिस का आदमी है जो पुष्पा जैसे लाल चंदन के स्मगलर्स पर जासूसी करने आया था, और पुष्पा के डाउनफॉल की वजह वही बनने वाला है। और जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि पुष्पा जेल से भाग गया है, तो उसे जेल भिजवाने के पीछे केशवा का ही हाथ होगा, यानी दोस्त बना दुश्मन वाला प्लॉट होगा। और साथ ही अगर केशवा ने पुष्पा को पकड़वाया है और उसे धोखा दिया है, तो उसे वो उसे छोड़ेगा नहीं। इसके बाद एक थ्योरी ये भी है कि केशवा पुष्पा के एटीट्यूड और उसकी कामयाबी से जलने लगता है, और जो केशवा पुष्पा के आगे पीछे घूमता रहता था वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, और अब उसे सिंडिकेट का मालिक बनना होता है। इसलिए वो पुष्पा से बगावत कर लेता है और दुश्मनों से हाथ मिलाता है, जैसे कि केजीएफ चैप्टर 1 में गरुड़ा ने भाई ने अपने ही बाप और भाई से बगावत की और दुश्मनों से हाथ मिला लिया था। थ्योरीज का सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि एक और थ्योरी है और उसके हिसाब से पुष्पा की स्टोरी को नारेट किया जा रहा है, और उसे नारेट कर रहा है केशव, और पुष्पा के तीसरे पार्ट पुष्पा द फॉल होगा, क्योंकि राइज के बाद रूल होता है और रूल के बाद फॉल, क्योंकि जो जितना ऊंचा चढ़ता है वो उतना ही नीचे भी गिरता है। इसलिए इसके एंड में हमें ये दिखाया जाएगा कि पुष्पा का अंत होता है। अब देखते हैं कि ये बात कितना सच है और कितना झूठ। खैर, पुष्पा 2 की शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है, और अभी से पुष्पा 2 ने मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज़ की लिस्ट में अपनी जगह बना ली, और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले साल में 15 अगस्त पर जो बॉलीवुड वर्सेस साउथ मूवी का जो क्लैश होगा, यानी सिंघम अगेन वर्सेस पुष्पा 2, उसमें भी सालार आगे रह सकती है। खैर, बाबा तो आप कितने एक्साइटेड उस मूवी को लेकर, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।